So guys, welcome back to my channel. Hi, this is Yashasvi and here I am back with another haul video, which is street style store haul video. As you have already seen this this video's title and thumbnail, so in this video I am going to show you guys all the stuff that I've purchased from street style stores. I will share my honest review about their products and also all the necessary things which you need to know before buying clothes or anything from street style store. So before starting the video, I would like to say thank you so much for clicking on my video, and please subscribe to my channel if you haven't. What else? Now let's quickly jump into the video. So guys, let's talk about street style store. So street style store Instagram store hai, jiska link maine description mein mention kar diya hai, so go check that out. So बेसिकली अब बात करते हैं इनकी कैटेगरीज की. तो स्ट्रीट स्टाइल स्टोर में दो कैटेगरी है, एक है मेन कैटेगरी और एक है वुमेन कैटेगरी. वुमेन कैटेगरी में है आप परचेज कर सकते हैं क्लोथिंग एंड फुटवेयर. फुटवेयर में भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, लाइक हील्स, दे हैव फ्लैट्स, दे हैव बूट्स, सो मेनी थिंग्स, दे हैव शूज़ एज वेल. और मेन सेक्शन में बात करते हैं तो मेन सेक्शन में भी दे ऑल दीज प्रोडक्ट्स. सो अब हम बात करते हैं वुमेन सेक्शन की. तो वुमेन सेक्शन में बहुत सारी इनमें सेल्स चलती रहती है, ठीक है, लाइक फ्लैश सेल, विंटर सेल, लाइक 99 स्टोर. सो दे हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स ओवर देयर. सो जो दो कैटेगरी है जो कि सबसे पॉपुलर कैटेगरीज हैं वो है दो. एक तो है 1199 में थ्री आपको टॉप मिलते हैं, थ्री क्लोथिंग मिलती है. उसके बाद दे हैव 799 में आपको थ्री क्लोथिंग मिलती है, जिसमें कि बहुत सारे ट्रेंडी टॉप्स आपको परचेस करने को मिलते हैं. एंड दे हैव 999 फॉर थ्री फ्लैट्स एज वेल. ये भी बहुत ही अच्छी डील है, बहुत ही रीजनेबल स्टोर है, जिसमें आपको 599, 499 अगर आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाते हैं. बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इन कैटेगरीज में से ही परचेस करें, इन सेक्शंस में से ही परचेस करें, लाइक 799, 1199 फॉर थ्री फ्लैट्स, फॉर 999. दे हैव सो मेनी ट्रेंडी स्टफ देयर. सो टॉक अबाउट देयर कस्टमर सर्विस. तो कस्टमर सर्विस जो है स्ट्रीट स्टाइल स्टोर की इज नॉट एट ऑल वर्किंग गाइज. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसका जो डिलीवरी टाइम है ये बहुत ज़्यादा है. तो मैंने इनके उस पर वेबसाइट पर क्वेरी रेज करी थी बहुत बार, बट आई हैवेंट गॉट एनी सिंगल रिप्लाई फ्रॉम देम. बस अगर ऑर्डर डिटेल्स में मैं जा रही थी तो उन्होंने बोला था कि ये शिप हो जाएगा, इतनी सी इतनी डेट दे दी थी उन्होंने, बट वो डेट पे भी शिप नहीं हुआ. उनको जब शिप करना होता है तभी करते हैं. लाइक अब इसका डिलीवरी टाइमिंग की बात करते हैं तो डिलीवरी टाइमिंग का जो इनका जो स्लॉट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. एक महीने में मुझे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था. लाइक आई हैव ऑर्डर्ड दैट ऑन 16 जनवरी और एग्जैक्ट वन मंथ बाद 16 फरवरी को मुझे मेरा प्रोडक्ट मिला. एक्चुअली इट्स वेरी वरिड कि अभी तक क्यों नहीं आया है, क्योंकि 15 डेज तक मैंने अच्छे से वेट कर लिया था. उसके बाद मैं आई वॉज वरिड कि अभी तक क्यों नहीं आया, इसीलिए आई वॉज रेजिंग क्वेरी कंटिन्यूसली, बट आई हैवन गॉट एनी रिप्लाई. सो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का, कि कस्टमर सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा है. अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक हफ्ते या 15 दिन में प्रोडक्ट मिल जाए, अगर आप मैसेजेस करके उन्हें बोल दें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है गाइज. आपको प्रोडक्ट एक महीने में ही मिलेगा. सो प्लान योर प्रोडक्ट लाइक दैट कि आपको एक महीने का अगर टाइम हो तो ही आप स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से परचेस करें. और ऐसा है कि ऑर्डर करके आप भूल जाइए, आपको एक महीने बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो यहाँ पर मैंने जो मेरे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं वो मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया है, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट वे होता है कि आपके पास प्रोडक्ट आए और उसके बाद ही आप पे करें. सो मैंने प्रीपेड इसीलिए नहीं किया था, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग कि ये मेरा ट्राई ऑन हॉल है, मैंने पहली बार ही परचेस किया है, इसीलिए पैसे वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया. तो आप भी कैश ऑन डिलीवरी ही करें जब भी आप परचेस करें, ठीक है. अब इसके रिटर्न पॉलिसीज़ की बात करते हैं, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी की. मैंने एक भी टॉप या एक भी फुटवेयर जो मैंने परचेस करा है वो रिटर्न नहीं करवाया है. रिटर्न नहीं करवाया है तो
आई डोंट नो मोर अबाउट इट, बट आई नो कि अगर आप रिटर्न करते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं, आप रिटर्न इजीली कर सकते हैं. रिटर्न करके आपको 7 days के अराउंड पैसे आपके जो हैं वो आपके अकाउंट में हो जाएंगे ट्रांसफ़र, या फिर वो आपको जो भी है जैसे भी ओरिजिनल मोड में आपको पैसे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एक्सचेंज. अगर आपको एक्सचेंज करवाना है, अगर आपने 3 टॉप परचेज करे हैं तो आप तीनों टॉप को अगर तीनों को एक्सचेंज करवाना है तो तीनों को आपको एक साथ सेलेक्ट करके सबमिट करना पड़ेगा. अगर एक एक करेंगे तो एक एक नहीं होगा. जो फर्स्ट टॉप आप सबमिट कर देंगे ना, बस वही एक्सचेंज के लिए जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही है. मैंने भी किया था तो मैंने बस एक ही कर दिया था. पहले मुझे पता नहीं था कि सिलेक्ट कैसे क्या करना है, तो मैंने एक ही सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया था. और फिर मैं सेकंड टाइम दूसरा वाला सिलेक्ट करने गई थी तो वो एक्सचेंज नहीं हुआ, एक ही एक्सचेंज हुआ है. इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें. मटेरियल जो है वो सारे ही टॉप का सेम मटेरियल है, सारे ही टॉप रिब मटेरियल में आते हैं एंड दे हैव साइजेस एंड दे ऑल आर ट्रू टू देयर साइजेस. दे हैव साइजेस XS, S, M, L एंड XL साइज. सो जो भी आपका साइज है वो आप ये साइज चार्ट भी देख के रखा हुआ है, वहाँ पे साइड में ऑप्शन होता है तो आप साइज चार्ट में देखें आपका क्या साइज है बिल्कुल परफेक्टली, एंड देन यू कैन प्लेस योर ऑर्डर. नाउ मैंने जो परचेस करे हैं टॉप वो है फ्रॉम द सेक्शन 799, वो मैं एक एक करके आपको शो करूंगी. एंड मैंने फ्लैट्स भी ऑर्डर करे हैं जो कि है फ्रॉम द सेक्शन 99943. सो मैंने 9 टॉप्स ऑर्डर करे हैं एंड 3 फुटवेयर्स ऑर्डर करे हैं, तो लेट्स चेक देम आउट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर पैकेजिंग. तो इनकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी नॉमिनल सी पैकेजिंग है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पैकेजिंग नहीं है. तो फर्स्ट जो मैंने फुटवेयर ऑर्डर किया है वो ऑर्डर किया है फ्रॉम 99943 फ्लैट्स. तो फर्स्ट जो मैंने ऑर्डर करे हैं वो फुटवेयर है दीज फुटवेयर. दीज आर पिंक इन कलर, दे हैव रफल टाइप टाइप पैटर्न हेयर एट फ्रंट, एंड यहाँ पे लेस आपको मिलती है जो कि आपको बांधने के लिए होती है. यू कैन सी दैट इट्स क्वालिटी इज वेरी नाइस. मैंने इन्हें एक भी बार नहीं पहना है अभी तक जब से ऑर्डर किया है, एंड इसमें से 3 में से मैंने 1 फुटवेयर जो है वो पहन लिया है. और ये जो है फुटवेयर वो परफेक्ट है फॉर समर्स, फॉर बीच. लेट्स टॉक अबाउट अदर फुटवेयर्स विच आर दीज फुटवेयर्स. इन्हें मैंने बहुत बार पहन लिया है. ये रोज गोल्ड कलर में आते हैं. दे हैव बो लाइक पैटर्न हेयर, यू कैन सी दैट. ये बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे कि आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, एंड दे आर वेरी नाइस. क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. इसका जो कलर है ये भी बिल्कुल भी नहीं निकला है. मैंने इन्हें बहुत बार पहन लिए हैं. सो दे आर वेरी नाइस. यू कैन डेफिनेटली बाय इट. इट्स क्वालिटी इज वेरी नाइस. एंड नेक्स्ट आई हैव ऑर्डर्ड दीज फुटवेयर्स, दीज फ्लैट्स जो कि है जो कि थोड़े से छोटे आ गए थे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जो इसके ये वाला जो अपर पोर्शन है ये थोड़ा सा है ना बड़ा हो गया, और ये जो पीछे का पोर्शन है ये थोड़ा छोटा दिया है. वैसे ये 35 साइज़ है मेरा, बट ये 35 मुझे नहीं आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसको एक्सचेंज करवाना चाहिए. बट बहुत टाइम हो गया तो अब मैं इसको एक्सचेंज नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ होती है वो 7 days ही रिटर्न होता है उनमें. इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मैं इसको रिटर्न नहीं करवा सकती हूँ, तो आई एम कीपिंग इट. यहाँ पे फ्रंट में बो मिलता है और ये बहुत ही प्यारा है. ओके, मेरा सजेशन ये है अगर आप इस टाइप के फुटवेयर कुछ बाय कर रहे हैं जो कि फ्रंट से पूरा ही क्लोज है, तो आप इसमें एक साइज़ बड़ा ही लें, क्योंकि ये मेरा साइज़ है बट ये बहुत ही छोटा सा. तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में सारे ही पैकेजेस आए थे, सारे ही टॉप आए थे. ठीक है, मैंने इन्हें निकाले हैं, ऑलरेडी ओपन कर लिया है, और कुछ इस तरीके की स्मॉल पैकेजिंग में उन्होंने पैक करके भेजे हुए थे. ठीक है, पहले तो मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही छोटा सा पैक है, इसमें क्या आया होगा, बट दे वर द टॉप्स, और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करके भेजा हुआ था. बहुत ही छोटी छोटी पैकिंग करी हुई थी. ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉप के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट टॉप है वो इस लेवेंडर कलर में है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टॉप, और ये बिल्कुल एज इट इज़ है जैसा कि वेबसाइट में शो किया हुआ है. ये हाफ स्लीव्स में है और ये क्रॉप टॉप है. ठीक है, इसका जो नेकलाइन है वो काफ़ी सुंदर है. इसमें मेरा जो साइज़ है वो है XS साइज़. ठीक है, और इसका जो मटीरियल है वो रिब मटीरियल है. आपको जो सारे ही टॉप है वो देखने को मिलेंगे रिब मटीरियल में. रिब मटीरियल है इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेची भी है. ठीक है,
एंड दिस इज अ वेरी नाइस टॉप इन लैवेंडर. सो नेक्स्ट टॉप आई हैव इज दिस लैवेंडर कलर टॉप जो कि आपको स्क्रीन पे शो मिल जाएगा. ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है. इसमें मेरा साइज जो है वो XS साइज है. इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है पहले वाले टॉप से, क्योंकि ये क्रॉप नहीं है, ये फुल लेंथ टॉप है. आपके आराम से आप इसको टक इन कर सकते हैं और इसका जो मटेरियल वो भी बहुत अच्छा है. ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है एज इट इज अ रिब मटेरियल, ठीक है. ये सी थ्रू नहीं है. सो दिस इज रियली नाइस. उसका कलर जो है वो बहुत अच्छा है. ये एज इट इज है जैसे कि शो किया हुआ था. तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस कलर टॉप. दिस इज अ रियली नाइस टॉप. इसकी सेम मटेरियल है एंड दिस इज रियली नाइस. इसकी जो स्लीव्स है वो शॉर्ट स्लीव्स है. बहुत ही प्यारा लग रहा है. इसका जो नेकलाइन है वो सबसे अच्छा है इस टॉप में, ठीक है. अब मैंने इसको दो तरीके से स्टाइल किया था. पहले तो मैंने ऐसे भी पहना था. अगर आप बहुत डीप नेक चाहते हैं तो आप इसको परचेस करें, ठीक है. और अगर आप डीप नेक नहीं चाहते तो आप इसके अंदर ब्लैक कलर का इनर और ब्लैक कलर की ट्यूब ब्रा पहन सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है. और इसमें बहुत ज़्यादा नेक जो है आपको वो रिवील नहीं होगा, ठीक है. अब मैंने इसको क्या करा था, मैंने ऐसे भी पहना है और आई ऑल्सो वोर इट लाइक दिस. मतलब ये जो है वो बैक पे और ये जो है वो फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉप आई हैव दिस कलर टॉप. दिस इज रियली अ नाइस कलर. और मेरा जो साइज है उसमें XS है. मैं चाहती तो इसको XS में भी ले सकती थी, बट फिर मैंने इसको रिटर्न या एक्सचेंज नहीं करवाया बिकॉज आई वॉज लाइकिंग इट. और ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉप है. मतलब ये आपके बर्स्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे होगा, आपके वेस्ट तक भी नहीं आता. ये सुपर क्रॉप टॉप है एंड इट हैज़ शॉर्ट स्लीव्स. ये स्लीव्स बहुत ही अच्छी लग रही है. इसका जो नेकलाइन है वो बहुत अच्छा है. इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है. और इस पे सामने जो है वो बटन्स पैटर्न दिया हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है. इसका जो कलर है इट इज़ रियली वेरी वेरी नाइस. सो दिस इज़ वेरी वेरी क्यूट टॉप, वेरी नाइस टॉप. सो Now I have this top. This is a really very nice top. You can see that. इसका जो neck है वो काफ़ी smart है, काफ़ी cute है. And इसकी जो sleeves है वो balloon sleeves दी हुई है इन्होंने. और ये also again rib material में ही है, see through नहीं है. But I suggest you कि आप इसके अंदर inner ज़रूर पहने, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रेच होता है ना, तो ये इसमें से क्या होता है कि ये सी थ्रू है, थोड़ा सा सी थ्रू है. तो आप इसको ज़रूर इसके अंदर इनर और समथिंग कुछ ना कुछ तो पहने. तो दिस इज़ अ रियली वेरी नाइस. और ये एज इट इज़ है जैसे कि शो किया हुआ है वेबसाइट पर. इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे, तो मैंने अभी एक रेड और ऑर्डर किया है. और ये वाला कलर मुझे अच्छा लगा, इसलिए आई ऑर्डर दिस. So now let's talk about this white color top which is looking really very nice. But जितना मैंने expect किया था ये top वैसा नहीं आया है. ये top काफ़ी छोटा है for the size XS and I don't know, अगर size एक बड़ा order करती मैं तो ये शायद थोड़ा सा बड़ा आता है. But ये this top is looking like this. This is really ridiculous. जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है. ये बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा आएगा. यहाँ पे थोड़ा सा रफल सा पैटर्न है, मतलब एट अप इसके अपर साइड पर, और नीचे ये नॉर्मल सा है. और ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है. ये बस इतना सा टॉप है, थ्रू है, इसमें सब कुछ दिख रहेगा आपको. इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा, ट्यूब ब्रा और सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ही सी थ्रू टॉप है. और जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, पर ये शायद मुझे लगता है पहनने पर अच्छा लगेगा. आई हैवन ट्राइड इट येट, क्योंकि मुझे देखकर ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता, लेंथ इसकी थोड़ी और बड़ी होती, दैट वुड लुक गुड. बट लेट्स सी हाउ आई स्टाइल इट. सो नाउ नेक्स्ट टॉप इज दिस टॉप. सो दिस इज रियली वेरी नाइस टॉप, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स है वो बहुत ही प्यारी है. इसका जो नेकलाइन है वो भी अच्छा है. ऑल्दो जो वेबसाइट पे बताया हुआ था वो राउंड काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ नेक था, ये थोड़ा सा वी है. और इसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और ये जो है वो ये भी क्रॉप टॉप ही है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग है. मतलब आप इन करना चाहें तो यू कैन इन इट इन दिस टॉप.
और इसका जो मटेरियल है अगेन मटेरियल ही है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा है, और इसकी जो स्लीव्स है इसके टॉप को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सो दिस इज़ अ नाइस स्टील। सो द नेक्स्ट टॉप आई हैव इज़ दिस ब्यूटिफुल कलर टॉप विच इज़ ब्रिक रेड कलर टॉप। इसकी जो स्लीव्स है वो इतनी स्लीव्स है, 3/4 से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। और इसका जो नेक लाइन है इट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल, जो कि इसको बहुत ही अच्छी, इस टॉप को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो साइड में है, साइड में आपको ऐसे टाई करने के लिए दो स्ट्रिंग्स मिलती है, और यहाँ पर आप इसको ऐसे ऊपर ऐसे स्क्वीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा, साइड में आप इसके ऊपर करके भी इसको एज अ क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, और आप अगर नहीं चाहें तो आप इसको नॉर्मली ऐसे रखकर यहाँ से भी टाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस। ऑल्दो इसका जो थोड़ा सा नेक जो है वो थोड़ा डीप है, बट आप इसके अंदर ट्यूब ब्रा और इनर और सॉर्ट ऑफ थिंग कुछ भी पहन सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नहीं लगेगा। So this is my favorite top of this haul, and this is looking very nice. I am in love with this. You definitely check out this top because it's very cute. So the last top I have is this pink color top, which is you can see on the screen. ये बिल्कुल as it is है, जैसा कि show किया हुआ है, and its color is beautiful. इसका जो top है, neckline है, वो भी बहुत ही beautiful है. इसमें आपको tie करने के लिए दो strings मिलते हैं, उसको आप waist पर tie कर सकते हैं, जो कि इस टॉप को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. एंड इसका जो नेक लाइन है वो डीप है, ठीक है, डीप है एज शोन इन द पिक्चर, वो पहले से ही शो हो रहा है, बहुत ही डीप है. तो आप इसके अंदर अगेन ब्लैक कलर का ट्यूबरा पहन सकते हो और इनर पहन सकते हो, तो इट विल लुक नॉट रिवीलिंग देन, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा. और अगर आप चाहते हैं, अगर आप डीप नेक प्रेफर करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस टॉप. दिस इज रियली नाइस टॉप. So guys, these were the all products that I've purchased from Street Style Store. I have shown them to you. So in the next video, I am going to show you guys that how they are looking on me. And also I am going to style them at last. I would like to say thank you so much. And also subscribe to my channel, like the video, and stay tuned for the next video. Until then, bye bye.